Wah! Burn it down. Burn it. नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अधिकांश लोग गूगल को दुनिया के सबसे सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन के रूप में जानते हैं। यह एक दिन में करीब 3 अरब से अधिक खोजों को संभालता है। एक वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में गूगल का शामिल होना ही उसे दुनिया के बाकी बड़ी कंपनियों से अलग बनाता है, जो कि इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग बैलून से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक रेंज रखते हैं। और यही कारण है कि गूगल ने फिर से अपनी कंपनी रीऑर्गेनाइज की। जिस वक्त ये अल्फाबेट इंक का हिस्सा बना, उस वक्त और भी बहुत सी कंपनियां जुड़ी। इससे गूगल को अन्य कंपनियों के लिए अधिक ऑटोमेशन प्रदान करते हुए इंटरनेट सेवा व्यवसाय पर अधिक ध्यान देने में मदद मिली। इससे अल्फाबेट को अजीब, अद्भुत और आश्चर्यजनक परियोजनाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। गूगल डीप माइंड। जिस तरह से इसके एल्गोरिदम्स बने हैं, वे ही इसे अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से अलग बनाता है। डीप माइंड के एल्गोरिदम सामान्य हैं, जो कि इसे एक काम में ध्यान देने के बजाय विभिन्न कार्यों में एक साथ अच्छा प्रदर्शन करने के लायक बनाता है। यह अनूठी क्षमता इसे इस काबिल बनाता है कि कैसे अटारी गेम्स खेलें या 3D मैच कैसे सॉल्व करें। डीप माइंड 2014 की शुरुआत में गूगल द्वारा अधिग्रहण किया गया था। यह आज तक का गूगल का सबसे बड़ा यूरोपीय अधिग्रहण था। प्रोजेक्ट लून। इन हीलियम से भरे गुब्बारे गूगल एक्स द्वारा लगभग 13 मील की दूरी तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, कमर्शियल विमानों से लगभग 2 गुना। आकाश में जाने के बाद गुब्बारे आकाश से बीम इंटरनेट सेवा को उन जगहों तक एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी तरीके से प्रदान करते हैं जिन्हें इसकी कमी है। याद रखने लायक बात यह है कि 4.3 अरब लोग अभी भी ऑफलाइन हैं। स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। वास्तव में एक अल्फाबेट कंपनी द्वारा डिजाइन किए गए लेंस आपकी दृष्टि को सही करने के अलावा और भी बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। विभिन्न सेंसर से सुसज्जित वे आपके सिस्टम में ग्लूकोज स्तर को माप सकते हैं, साथ ही पता लगा सकते हैं कि क्या आप बीमार हैं। इस तरह एकत्र किए गए डेटा को आगे की प्रक्रिया के लिए एक मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेंस को स्वयं को कोई बाहरी शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिन सभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनकी सतह पर सौर कोशिकाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रोजेक्ट स्काईबेंडर। स्काईबेंडर एक इंटरनेट सिग्नल प्रदान करने वाला सोलर ड्रोन है, जो 5 साल तक हवा में रहने के लिए तैयार है। उस समय के दौरान वे केवल 5G इंटरनेट ही नहीं उपलब्ध कराएंगे, बल्कि आवश्यक होने पर हवाई तस्वीरें भी ले सकते हैं, जो उन परिस्थितियों के लिए सही बनाते हैं जहां निगरानी और संचार अत्यंत आवश्यकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या खोज और बचाव अभियान। ड्रोन प्रोजेक्ट गूगल एक्स द्वारा चलाया जाता है। गूगल जीनोमिक्स। गूगल एक्स द्वारा संचालित एक और प्रोजेक्ट गूगल जीनोमिक्स वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को विशाल मात्रा में डेटा पर वर्चुअल सिमुलेशन को स्टोर करने, खोजने और चलाने के सक्षम बनाता है। गूगल सर्च और मैप्स को पावर करने वाली समान तकनीकों का उपयोग करके संगठित डेटा को छेड़छाड़ किया जा सकता है, जो कि गूगल जीनोमिक्स को एक मजबूत वैज्ञानिक उपकरण बनाने, बड़े जटिल सेट्स की सूचनाओं को साझा करने और साझा करने के सक्षम बनाता है। यह सिर्फ उन प्रोजेक्ट का एक चयन है जो मैंने सोचा कि सबसे अनूठे और दिलचस्प हैं। आपकी पसंदीदा अल्फाबेट प्रोजेक्ट कौन सी है? आपको क्या लगता है कि वह अगले कौन से खबर के साथ सामने आएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।